हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? जैसे कि विंटर स्टार्ट हो चुका है तो पॉक भी आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम आ चुके हैं पॉक नगरी। तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी मैं, कैसे पॉक बनती है, कैसे उसके भजिया और पेटीज बनते हैं। ये है कच्ची पॉक, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की होती है। ये है ज्वार, कच्ची ज्वार। यहाँ पर ऐसे भट्टी लगाई जाती है और फिर उसके अंदर पॉक को सेका जाता है। ये कुछ इस तरह से भट्टी बनाई गई है, तो कच्ची पॉक को इसके अंदर रखते हैं और फिर 2-3 मिनट के लिए सेकते हैं तो ये सिक जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सिकने में क्योंकि ये कच्ची ही होती है। पॉक रेडी हो जाती है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसको पूरा झाड़ लेते हैं, जो रेत होती है उसको पूरा हटा देते हैं। और फिर सिकने के बाद में कुछ इस तरह की दिखाई देती है ये पॉक। और फिर कुछ देर थोड़ा ठंडा होने के बाद में एक कपड़े में डाल के इसको कूट कूट के निकाला जाता है पूरी पॉक को। और आप ये देख सकते हो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर ये प्रोसेस करने के लिए, और अलग अलग स्टॉल्स वाले अपने अपने कारीगर रखे हुए हैं। और इसको अच्छे से यहाँ पर कूटा जाता है तो उससे इसके दाने सारे बाहर निकल जाते हैं और फिर उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं पॉक को रेडी करने के लिए। ऐसा प्रोसेस पूरे दिन चलता रहता है यहाँ पर। पहले पॉक को सेका जाता है, फिर कूटा जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर छान के उसको खाने के लिए रेडी किया जाता है। चलिए देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। कूटने के बाद में पॉक को यहाँ पर लाया जाता है और फिर उसको अच्छे से छाना जाता है तो इसके छिलके बाहर रह जाते हैं मोटे मोटे और फिर दाने नीचे रह जाते हैं। फिर उन दानों को भी अच्छे से घिस के आप देख सकते हो इस तरह से प्रोसेस किया जाता है। फिर बाद में छान के दानों को अलग करा जाता है पूरा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो और भी लोग यहाँ पे दानों को साफ कर रहे हैं। तो ये कच्ची पॉक एकदम रेडी हो जाती है। तो अगर आपको कच्ची पॉक खानी हो, और कच्ची पॉक बहुत अच्छी मीठी लगती है खाने में, सेव के साथ में मिक्स करके खाई जाती है तो बहुत टेस्टी लगती है, तो वो खानी हो तो वो तो एकदम से ये रेडी है, इसको लेके आप खा सकते हो। ये राइट साइड में जो भी स्टॉल्स आपको जो दिखाई दे रही हैं इसमें सब में कच्ची पॉक मिलेगी सब जगह, और इधर लेफ्ट साइड में आपको जो भी स्टॉल्स दिखेंगी उसमें सब में आपको भजिया पकौड़ी जो भी बनती है पॉक की वो मिलेगी। कच्ची पॉक की प्राइस की बात करो तो 500 रुपये किलो ये बिकती है, और दूसरी जगह आप लोगे तो वहाँ पर थोड़ी महंगी मिलेंगी, पर यहाँ पर पॉक नगरी के अंदर आपको यही प्राइस सारे जगह पर मिल जाएगा। और अगर आप फॉरेन भेजना चाहते हो सूखी पॉक तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो पॉक का प्रोसेस तो हमने देख लिया है, अब इसकी भजिया और पेटीज कैसे बनती है वो देख लेते हैं। कच्ची पॉक के साथ साथ यहाँ पर पॉक के पेटीज और भजिया के भी काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं यहाँ पे। भजिया का बैटर, तो इसका प्रोसेस बता देती हूँ मैं आपको। तो इसमें खम्मन को पूरे को क्रश किया जाता है, फिर उसके अंदर मसाले डाले जाते हैं, हरा प्याज, लहसुन डाला जाता है, बेसन डाला जाता है, और पॉक डाल के इसको पूरा मिक्स करके इसके भजिए बनाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेव, और सेव भी आपको काफ़ी तरह की वैरायटी की सेव यहाँ पर मिल जाती है। ये पूरी सिंपल है, आपको प्लेन सेव चाहिए तो वो भी है यहाँ पर। नींबू मरी की आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। आपको लहसुन की सेव चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपको अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी सेव आपको पसंद आती है आप वो सेव यहाँ से परचेज करके पॉक के साथ में खा सकते हो। ये
ये भजिया और पेटिस, और इसको दो बार डीप फ्राई किया जाता है। एक बार इसको थोड़ा सा कच्चा फ्राई करते हैं, फिर बाद में इसको एक बार और फ्राई किया जाता है। ये यहाँ पर सबको आवाज लगा लगा के बुलाते रहते हैं, और हमारी स्टॉल में आप खा लीजिए इस तरह से। और यहाँ पे आप देखो पूरी सारी स्टॉल्स कुछ इस तरह की है। और इसकी एड्रेस की बात करूँ तो ये स्वामीनारायण मंदिर है उसके सामने, और सरदार ब्रिज के नीचे नदी किनारे पर ही ये पूरी स्टॉल्स लगती हैं। और इसका पूरा डिटेल में एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 9 बजे ये स्टार्ट हो जाती हैं सारी स्टॉल्स, और रात को 10 बजे तक चलती है। पर शाम के वक्त यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी लोग यहाँ पर पॉक के भजिया और पेटिस खाने के लिए आते हैं। और ये आप देख सकते हो सेव की प्रोसेस, ये तो लहसुन वाली सेव बन रही है। इतनी सारी सेव एक साथ में फ्राई करते हैं और आधा मिनट भी नहीं लगता है और ये रेडी हो जाती है। ये सिंपल वाली सेव है, एकदम प्लेन जो आती है वो है, और ये ब्लैक मरी वाली सेव है नींबू डाल के, और सामने लहसुन वाली सेव है, एक और भी है। तो 3-4 तरह की सेव आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर बैठने के लिए भी व्यवस्था है सब जगह। तो यहाँ पर हमने भी मंगवा लिए थे पेटिस और भजिया खाने के लिए, और इनके प्राइस की बात करूँ तो 360 रुपये किलो है। आप चाहे पेटिस ले लो, चाहे भजिया ले लो, या फिर आप सेव लेना चाहते हो तो सेव का प्राइस भी यही ले रहे हैं। ये सारी आइटम 360 रुपये किलो है यहाँ पर। और ये आप देखो पेटिस कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, एकदम गरम गरम है, तो इसको दो बार डीप फ्राई करने की वजह से ये पूरी ऊपर से क्रिस्पी हो जाती है। और अगर आप यहाँ से पार्सल ले जाना चाहते हो तो पार्सल भी ले जा सकते हो। यहाँ पर कच्ची भजिया और पेटिस भी मिलता है, जैसे एक बार डीप फ्राई किया हुआ होता है, फिर आप घर पर जाके वापस से डीप फ्राई कर सकते हो, तो वो ले जाना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ से ले जा सकते हो। तो शाम के वक्त तो यहाँ पर काफ़ी लोग खाने के लिए आते हैं, और जब तक विंटर रहेगी तब तक ये पॉक यहाँ पर रहेगी। तो अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो और पॉक के मज़े ले सकते हो। तो कच्ची पॉक भी आप खा सकते हो, और ये भजिया और पेटिस खानी है तो आप वो भी खा सकते हो। तो वीडियो देख के कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।